में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ चिकन दलीम। ये बहुत ही टेस्टी और रिच रेसिपी है जिसे बहुत लोग शौक से खाते हैं रेस्टोरेंट से मंगा के मोस्टली। तो आज मैं इसे घर में बनाना सिखाऊंगी आपको बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए चिकन दलीम बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने एक मोटा सा पतीला ले लिया और उसमें करीब 1 से 1.5 लीटर पानी मैंने डाला है। ये थोड़ा सा गर्म हो गया है पानी। अब मैं इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैंने लिया पूरा 1.5 कप गेहूँ। आप चाहे तो गेहूँ लें, मैंने दलिया लिया है टूटे हुए गेहूँ। ये आसानी से पकता है इसलिए मैंने इसे यूज़ किया। आप चाहे तो गेहूँ लें लेकिन उसे पहले रात भर आप सोख कर लें बहुत अच्छे से। वो जब सोख हो जाएगा तब आपका दलीम बहुत अच्छा बनेगा। तो मैंने दलिया लिया है, इसे मैंने 1 घंटे पानी में भिगोए थे। ये अच्छे से भिगो भिग चुके हैं। अब मैं अपने दाल को ऐड करूँगी इसमें। उसके बाद मैंने 1 कप मसूर की दाल ली है, लाल वाली दाल आप ले लें। इसे भी मैंने 1 घंटे सोख कर लिया था पानी में और वॉश कर लिया है। अब इसके साथ जाएगा चने की दाल, ये भी मैंने 1 कप लिया है। ये देखिए चने की दाल 1 कप, इसे भी मैंने वॉश कर लिया है और थोड़े से सोख कर लिए हैं। ये भी जाएगा। और अब जाएगा उड़द की दाल, ये वाइट वाली उड़द की दाल है। ये 1 कप से थोड़ा सा कम है, मैं इसे ले ले रही हूँ। और साथ में जाएगा ये तूर की दाल, ये चने की दाल जैसे दिखती है, छोटी छोटी है तूर की दाल, इसे भी मैंने ले लिया 1 कप से थोड़ा कम। और अब जाएगा इसमें चावल। आप कोई भी चावल इसमें यूज़ कर सकते हैं, बासमती चावल या जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैंने ये मोटा वाला चावल लिया है, इसे भी मैंने भिगो लिया था। अब मैं इसे डाल लेती हूँ। चावल मैंने करीब 2 बड़े चम्मच लिए थे। और अब मैं इसे थोड़े से हेल्दी बनाने के लिए ओट्स लूँगी। ये भी 2 बड़े चम्मच, इसे मैंने धोया है बस, मैं इसे डाल दूँगी। और अब इसमें जाएगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और हाँ, आप जितना दाल और चावल डाल रहे हैं ना, पानी बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि जैसे जैसे ये पकेगा गाढ़ा होगा तो नीचे तले पे लगना शुरू हो जाएगा। तो पानी की क्वांटिटी हमेशा बढ़ा कर ले। और अब मैं इसमें डालूँगी कुछ गरम मसाले। 2 तेज़पत्ते मैंने लिए हैं, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और थोड़े से लौंग, ये डाल दें। अब मैं सूखे मसाले इसमें डालूँगी। ये देखिए मेरे सूखे मसाले, इसमें धनिया पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून है, गोलकी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च 1/4 टीस्पून और ये गरम मसाला 1/2 टीस्पून। इन सबको मैं इसमें डाल दूंगी और मिक्स कर दें अच्छे से। अब इसे ढक कर पकाए करीब 2 घंटा, या तो फिर अगर कुकर में बना रहे हैं तो करीब 5 से 6 सीटियाँ ये लगेंगी धीमी आँच में। चलिए तो इसे पकाते हैं। कुक हो रही है तब तक हम चिकन की तैयारी कर लेते हैं। मैंने बोनलेस चिकन लिया है करीब 1/2 केजी, आप बोन वाला भी ले सकते हैं, आपको बोन अलग करना होगा, मैंने बोनलेस लिया है। इसे मैं पहले मैरिनेट कर लूँगी नमक के साथ। नमक के साथ इसे मैरिनेट कर लिया। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। सबसे पहले जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें इसमें। 1.5 टीस्पून सूखे मसाले जाएंगे इसमें। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गोलकी पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने खड़ा जीरा को थोड़ा सा भून लिया है और ये गरम मसाला है 1/2 टीस्पून। इन सबको मैं डाल के इसे मिक्स कर दूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी दही करीब 1 टेबलस्पून बड़ा वाला, और साथ में मैंने कुछ अनियन फ्राई करके रखा, मैं उसे डाल दूँगी और उसे मिक्स कर दूँगी अच्छे से। मैंने चिकन को ऑयल में डाल दिया है और इसे मैं भूनूंगी तब तक जब तक बिल्कुल चिकन गल ना जाए। चिकन को भूनते हुए करीब 10 मिनट हो गया धीमी आंच में, चिकन अच्छे से गल गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए चिकन बिल्कुल गल गई है, ये आराम से टूट रही है, ये देखिए। इसे क्या करेंगे, एक ब्लेंडर की मदद से इसे पीस लेंगे। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, बस खड़े खड़े थ्रेड के जैसा ये होना चाहिए। आप हाथ से भी चाहे तो इसको ये कर सकते हैं या फॉर्क की मदद से आप इसे लंबे लंबे रेशे निकाल लें। ये देखिए मेरी चिकन बिल्कुल रेडी हो गई है, मैंने इसके पतले रेशे निकाल दिए एक ब्लेंडर की मदद से। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया के पत्ते और पुदीना के पत्ते। थोड़ी सी घी, इसे 1 मिनट तक सौते करें और साइड रख दे। तब तक अपने दाल को मैं चेक करती हूँ। ये देखिए मेरी दाल कुक होके बिल्कुल रेडी हो गई, मैंने 4 से 5 सीटी से लगाई है। अब आप क्या करें, इसे या तो हैंड
ब्लेंडर की मदद से इसे पतला पेस्ट बना ले, या ब्लेंडर की मदद से, या विस्क या कुछ भी आपके पास मैशर, इसे पतला कर लेना है बिल्कुल। एक भी मुंह में टेक्सचर नहीं आनी चाहिए दाल की। तो मेरी दाल रेडी हो चुकी है बिल्कुल ब्लेंड होकर। ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बना है। इधर मेरी चिकन रेडी हो गई है। चलिए अब दलीम बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने एक मोटा तली का पैन ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी घी। घी में मैंने थोड़ा सा शाही जीरा डाला है और अब इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल हाफ टी स्पून, बहुत ज्यादा नहीं। इसमें मैं सूखे मसाले डालूंगी। मैंने 1 टेबलस्पून हली मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च और 1/4 टीस्पून गोलकी पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर, इन सबको मैं इसमें डाल दूंगी। हल्का सा पानी जाएगा। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून दही। साथ में मैंने 1 टेबलस्पून फ्राइड अनियन डाल लिया है। अब इसमें मेरा दाल जाएगा जो मैंने कुक करके रखा है। ये दाल की बनी है इसलिए इसे दलीम कहते हैं। ये देखिए मेरी दलीम बिल्कुल मिक्स हो गई मसाले में। इसे लगातार चलाते रहे, नीचे सटना नहीं चाहिए।